नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग एक, उसका जो 13वां अध्याय है काव्यखंड का, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित जो रचना है ग्रामश्री, उसके हम आज चौथे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से ग्रामीण जो सुंदरता है, ग्रामीण जो परिवेश है, वो हर प्रकार से लेखक को अपनी ओर आकर्षित करता है, आनंदित करता है, और उसी आनंद से लेखक ने हम सभी को आनंदित करने का, भाव विभोर करने का जो एक प्रयास किया है, जिसको पढ़ने से जो पाठक है वह अनुभव करता है कि वह स्वयं जो उस सुंदरता का जो अनुभव कर रहा है, सुंदरता को देख रहा है ना। तो इस प्रकार से कवि ने गांव की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो भाग चार है उसके अंतर्गत। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगिनी सतरंगी रहती। अब ये ग्रामीण जो परिवेश है, गांव के पास में गंगा बह रही है और गंगा के पास का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है ना। अब गंगा बह रही है गांव के पास में, गांव के बीच में से जा रही है गंगा नदी जो है, तो गंगा के किनारे पे बसा हुआ गांव है जिस गांव की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं ये कवि जो है। तो कहते हैं कि वहां पे जो बालू रेत है, तो वहां ऐसे लगता है कि सांपों से अंकित, जैसे उसके ऊपर सांप अंकित कर दिए गए हो। आपने देखा होगा जो बालू रेत है ना, आप देखना कभी भी जो ऊंचे टीले हैं, तो हवा के वेग के साथ में जैसे वो आगे चलते हैं, यानी कि हवा जैसे बहती है तो उसके अंदर जो है, तो ऐसा लगता है कि जैसे रेत जो है वो सांप जैसे आगे चल रही है, तो सांप के जैसे जो लाइनें हैं वो बन जाती हैं। तो बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रहती। अब बालू जो है यानी गंगा के किनारे पर जो रेत है वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। अब किस कारण से सुंदर दिखाई दे रही है, अब देखिए जब सूर्य की किरणें उस बालू रेत के ऊपर पड़ती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे जो सात रंग है वो उसके ऊपर बिखेर दिए गए हों, और हवा के वेग के कारण से वह बालू रेत जो है वो सांपों के समान अंकित होती हुई, जिस प्रकार से सांप चलता है तो सांप के समान रेंगती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अब सुंदर लगती सरपत, अब सरपत कहते हैं घास पात जो है, घास और पत्ते, ठीक है ना, कि सुंदर लगती सरपत छाई, जो आसपास लगी हुई जो घास पात है, जो घास पत्तियां हैं वे छाई हुई है जो अत्यंत सुंदर लग रही है, और तट पर तरबूजों की खेती, और जो गंगा के किनारे होने वाली जो तरबूजों की खेती है वह भी बहुत अधिक सुंदर लग रही है वहां पे, तो जो बेले जो है गंगा के किनारे पर फैली हुई हैं और बहुत ही आकर्षक लग रहा है वो जो दृश्य है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। अब देखिए, अब कंघी जो आपने गंगा जो है उसको कहते हैं, और कलंगी जो आपने देखा होगा कि एक प्रकार से जो पहले मुकुट वगैरह होते थे उनके आगे की तरफ एक ऊपरी जो भाग है जिसमें किसी प्रकार के जो पंख वगैरह है वो है, इस प्रकार का जो चिन्ह लगा रहता था, तो कलंगी कहा गया उसको, कि अंगुली की कंघी से बगुले, जो बगुले हैं वे गंगा के किनारे पर खड़े हैं और अपने पंजे से अपने सर को खुजा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वे कंघी कर रहे हो, ठीक है ना, सिर में कंघी कर रहे हो, और कलंगी संवारते हैं कोई, और वे अपनी कलंगियों को संवार रही है। और जैसे आपने देखा होगा बगुले का पंजा है तो उसमें उंगलियां रहती हैं, तो इस प्रकार से जब वो सिर को खुजा रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे वो कंघी कर रहे हैं और अपनी कलंगी को वो सवार रही हैं। गिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। अब देखिए, गिरते जल में सुरखा, सुरखाव कहते हैं चकवा जो पक्षी है उसको कहते हैं सुरखाव। अब गिरते, गिरते की जगह यहां पर आना चाहिए था फिरते, कि जो जल के अंदर सुरखाव जो चक्रवात पक्षी है वे घूम रहे हैं गंगा की लहरों में, और पुलिन कहते हैं तट को, वैसे पुल भी कहते हैं, ये तट है ना, तट को कहते हैं पुलिन, कि पुलिन जो है जो तट है उसके ऊपर मगरोठी। अब ये मगरोठी क्या है, कि जो मुर्गावी पक्षी है, मुर्गावी पक्षी जो है वह रहती सोई, वह अरसाते हुए से वहां बैठे हुए। अब ये मुर्गई कैसा होता है, मुर्गई पक्षी कैसा होता है, वो मुर्गे जैसा होता है, उसका जो रंग ना वो काला होता है, आगे चोंच थोड़ी लाल होती है, इस प्रकार से रहता है, वो छोटा सा होता है और ज्यादा दूर तक नहीं उड़ता ऐसे, तो जल के अंदर ही उड़ता रहता है, जैसे अपने बत्तख या बत्तख का छोटा रूप, यानी कि मुर्गे जैसा होता है वो। तो मुर्गावी पक्षी जो है
वह गंगा के किनारे अलसा रहे हैं, अर्थात वे सो रहे हैं। तो इस प्रकार से गंगा के किनारे की जो सुंदरता है उसका वर्णन कवि ने किया है कि किस प्रकार से वहां की जो रेत है सतरंगी दिखाई दे रही है, और किस प्रकार से वहां पे जो घास पात है जो उगा हुआ है, और जो तरबूजों की खेती की गई है वो अत्यंत आकर्षक लग रही है, और किस प्रकार से वहां गंगा किनारे पर जो बगुले हैं वे अपने सर को खुजा रहे हैं और अपनी कलंगी को सवार रहे हैं, और किस प्रकार से इस जल के अंदर जो सुखाव जो चक्रवाक जो चकवा पक्षी है वह तैर रहा है, और साथ ही साथ इसके किनारे पर जो मुर्गावी पक्षी है वे अलसा रहे हैं अर्थात सो रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे गंगा की जो सुंदरता है, जो गांव के अंदर जो बह रही गंगा है उसकी सुंदरता का वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो इसके अंदर कवि ने जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ एक प्रकार से अब देखिए बालू के सांपों से अंकित, अब बालू जो है उसके ऊपर सांपों का आरोप कर दिया गया, रूपक अलंकार कैसे प्रयोग किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अगला जो भाग है इसमें अंश जो है कि हंसमुख हरियाली ही मातम सुख से अलसाए से सोई। आप देखिए अब इसमें तो अपने गंगा का वर्णन कर दिया कवि ने, गांव के अंदर जो गंगा बह रही है उसका वर्णन किया था कि किस प्रकार से वहां के किनारे पर रहने वाले जो पक्षी हैं दिखाई दे रहे हैं, जो फसल उगाई जा रही है वो किस प्रकार से सुंदर लग रही है। अब ये आगे के भाग के अंदर जो है जो हिम है, हिम वैसे तो कहते हैं बर्फ को, हिम का मतलब होता है बर्फ, ठीक है ना। तो यहां पे हिम आतप, आतप किसको कहते हैं, क्या होता है ये आतप, तप तपस्या के लिए आतप जो है गर्मी, ये जो गर्मी के लिए कह सकते अपने, लेकिन गर्मी तो होगी नहीं, अब ये बर्फ और गर्मी कैसे हो सकती है। तो गर्मी की बजाय इसको अपने धूप जो है इस रूप में इसका प्रयोग करेंगे, अपने धूप, ठीक है ना, कि जो हिमालय जो सर्दी के अंदर जो धूप है, सर्दी की धूप वो कैसी होती है, सर्दी के अंदर किस प्रकार से जो है प्रसन्नता छाई रहती है, और किस प्रकार से ग्रामीण जो वातावरण है वो हमें आनंदित करता है, तो उसी का वर्णन कवि ने इसके अंदर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे देखते हैं इसमें कि हसमुख हरियाली ही मातम, कि शरद ऋतु के अंदर सर्दी के अंदर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसकी जो धूप है वह किस प्रकार से हमें आनंदित करती है, और चारों ओर जो हरियाली है वह हंसती हुई प्रतीत होती है, सुख से अलसाए से सोई। अब ऐसे लगता है कि जैसे हरियाली जो है वो सुख से सो रही है, अलसा रही है, पूरा वातावरण जो अलसाया हुआ सा हमें दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, जब सर्दी के अंदर धूप पड़ती है और वह धूप हमें सुहावनी लगती है, सुहाती है हमें, और हम सर्दी के अंदर धूप में बैठना पसंद करते हैं, तो ऐसी धूप के अंदर जो है ऐसे लगता है कि जैसे हसमुख जो हरियाली है वह भी अलसा रही है। भीगी अंधियारी में निशी की तारक सपनों में से खोई। अब देखिए कि भीगी अंधियारी से निशी की, अब भीगी, अब कैसे वो रात भीगती है, अब आपने सर्दी का समय जब आ रहा है आगे देखिए, तो सर्दी के समय आपने देखा होगा जब सुबह अपने उठते हैं या रात्रि के समय आप देखते हैं कि ओस की छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो हमें बाहर जो जमी हुई आप देखते हैं कि जमीन के ऊपर जो जमीन थोड़ी गीली हो जाती है, भूमि गीली हो जाती है, और साथ ही साथ पत्तों के ऊपर आप देखना कभी भी सर्दी के अंदर तो छोटी छोटी जो पानी की बूंदे हैं वो हमें दिखाई देती हैं, यानी कि अपने कभी हाथ लगाना उसके ऊपर तो आपको गीला सा लगता है, और साथ ही साथ अगर उसको आप उठाएंगे पत्ते को उठा के आप तोड़ के पत्ते को देखना उसके ऊपर जब गीला हो तो धूप में करके देखना तो उसके ऊपर बूंदे गिरी रहती है, तो ओस की बूंदे जो है तो ओस की बूंदों के कारण से जो निशी, निशी कहा गया रात को, तो ये जो निशी शब्द है वो रात के लिए प्रयोग किया गया। यह जो रात है वह आधी जो रात है यानी अंधेरी जो रात है वह भीग चुकी है, किससे भीग गई है, ओस के कारण से, ओस की बूंदों से भीग चुकी है। तारक स्वप्नों में से खोई, और जो तारक है जो तारे हैं ऐसे लगता है कि जैसे किसी सपने में खोए हुए हों। अब देखिए तारे जो टिमटिमाते रहते हैं वो भी थोड़े मध्यम से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो कहीं किसी सपने में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, अब मरकत कहते हैं हरे रंग का जो एक रत्न होता है इनकी पन्ना, पन्ने के समान। अब ग्रामीण जो परिवेश आपने देखा है कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई, हमने ये पढ़ा है ऊपर कि हरियाली चारों ओर छाई हुई है, और जो हरियाली के कारण से पूरा गांव ऐसे लग रहा है कि जैसे वह पन्ना जो है एक मरकत के डिब्बे के समान प्रतीत हो रहा है, पूरे चारों ओर हरियाली छाई हुई है तो वो डिब्बे के समान, हरे रंग के डिब्बे के समान दिखाई दे रहा है।
कि जिस प्रकार से हरण का जो पन्ना है तो उसके समान वह हमें गांव जो है प्रतीत हो रहा है, जिस पर नीलम नव आच्छादन, जिसके ऊपर नीलम, अब ये नीलम एक रत्न है, लेकिन यहां पे नीलम जो शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया, आसमान के लिए किया गया है। अब देखिए आगे नव, कि जो नीला आसमान है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मरकत डिब्बे के ऊपर जो है वह अपने प्रकाश जो आच्छादन कर रहा है उसको ढक रहा है। अब देखिए हरा रंग है हरे रंग के ऊपर, क्योंकि फसलें जो है वे हरे रंग की है, हरियाली चारों छाई हुई है, उसके ऊपर जो नीला आसमान है वह उस नीलम के समान, नीलम रतन के समान प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसने नीले आसमान में उस मरकत के डिब्बे को, उस हरे रंग के डिब्बे को, उस पन्ने के डिब्बे को जो कि गांव है उसको ढका हुआ है। निरूपम हिमांत में स्नित शांत निज शोभा से हरता जर्मन। अब निरूपम, निर प्लस उपम, उपम मतलब उपमा, तुलना, जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, ऐसे हिमांत, हिम प्लस अंत, हिम कहा गया था सर्दी को, कि सर्दी का अंत जब हो रहा है, कि जब सर्दी समाप्त हो रही है तो ऐसी जो सर्दी है जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, जब वह जा रही है तो वह हर प्रकार से स्निग्धता दे रही है, स्नेह दे रही है, और शांति का जो वातावरण है वो चारों ओर गांव में फैल गया है। निज शोभा से हरता जर्मन, और यह ऐसा जो गांव है वो अपनी सुंदरता के कारण से, निज का मतलब स्वयं की, निज का मतलब स्वयं अपनी, अपनी सुंदरता से वह हर किसी के मन को, जन जन कहते हैं व्यक्ति, कि वह हर किसी व्यक्ति के मन को हर रहा है। तो इस प्रकार से देखिए कि जो शरद ऋतु के अंदर जो सर्दी है जब वह जा रही है और चारों ओर जो है शांति छाई हुई है, तो ऐसा जो वातावरण है हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह था हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, जिसका वर्णन जो है सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी जो रचना है ग्राम श्री में किया है, जिसका आज हमने अध्ययन किया है। तो इसमें जो है अपने देखते हैं अलंकार जो है, अब डिब्बे साफ खुला, सामने को समानता कर दी इसमें, तुलना कर रहे हैं इसमें, तो वहां क्या होगा जब तुलना की जा रही है साफ समझ अदृश्य, तो यहां पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी है। तो सुख से अलसाए से सोई, अब ये अलसाए हुए हैं और सोए हुए से हैं, इसमें भी कल्पना कर रहा है वो, यानी कि एक आरोप दूसरे पे आरोपित कर रहा है। तो अपने जब देखते हैं इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं जो है रूपक की जो छटा है वह दृष्टव्य होती है, और साथ ही साथ जो है अनुप्रास अलंकार की जो सुंदरता है वह भी दृष्टव्य है। तो यह था हमारा सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित जो रचना है, जो 13वां अध्याय था कक्षा 9 का, ग्राम श्री, यानी कि गांव को एक सुंदर परिवेश के रूप में कवि ने जब अनुभव किया है तो उसे शब्दों के अंतर्गत उकेरने का प्रयास किया है, और उसकी जो सुंदरता है किस प्रकार से अविरल रहती है, निरंतर बनी रहती है, इस भाव को कवि ने कविता के माध्यम से उद्घाटित करने का प्रयास किया है। यह थी हमारी रचना सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्राम श्री। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।